बसमिलीम अलैक्म स्टूडेंट्स टेक आउट योर जनरल साइंस बुक्स एंड योर कॉपीज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटन वर्क ऑफ यूनिट नंबर एट बट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर सेवेंटी नाइन ऑफ़ यूनिट नंबर एट वी है एक्सरसाइज आर लिफ्ट ये जो टू क्वेश्चन है ये हम बुक में करेंगे इसके लिए आप लोग बुक्स निकाल दें साथ में आपके पास स्टेशनरी होनी चाहिए पेंसिल इरेजर रूलर पेन इंग्लिश पेन ब्लू मार्कर ईच एंड एवरी थिंग यू मस्ट राइटिंग विद पेंसिल लोकेट दिस क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर दिस क्वेश्चन कंपेयर नंबर वन ये नंबर वन और नंबर थ्री हम बुक में करेंगे कंपेयर वेट एंड मास विद दल्प ऑफेबल ऑफ कंपेरिजन ये इसके हेल्प से एक टेबल बना दे कंपैरिजन का ये ऑलरेडी बुक में बना हुआ है इसे हम कंपेयर करेंगे कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है सो राइट वेट में राइट करें नीटली विद अ पेंसिल यहाँ पे आप लोग ये टू लाइंस ड्रॉ है थर्ड वन कॉलम आप लोग खुद ड्रॉ कर ले पेंसिल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड अ रूलर नंबर राइट वेट इज़ अ फोर्स इज़ अ फोर्स कॉमा द अमाउंट ऑफ एन ग्रेविटेशनल फोर्स acting on an object is a force comma the amount of gravitational force acting on an object number second point in this is the weight of an object depends on where it is मैंने आप लोग को बता दिया था कि क्या है ये वेट जो है ये असल में ग्रेविटेशनल फोर्स के जो अमाउंट जितने अमाउंट किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है और दूसरा ये कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे होगा ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा जितना वेट उसका कम होगा जितने कम डिस्टेंस पे होगा वेट उसका ज़्यादा होगा बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट मईर इन न्यूटन्स मास के नीचे लेकिन इज़ अ मइयर ऑफ हाउ मच मैटर ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉन्टेंट्स यू एन टी ए आई एन एस कि उनमें कितना मैटर मौजूद है वजन उसका कितना है नंबर सेकंड पॉइंट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम नो मैटर वेयर इट इज़ अब ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ पर भी हो चांद पर हो अब मून पर हो अर्थ पर हो डिस्टेंस पे हो या करीब हो लेकिन ये कोई भी इस पर असर नहीं करता बस उसमें कितना मैटर मौजूद है वही इसी का है। मास है मास कभी चेंज नहीं होता मयर्ड इन किलोग्राम्स फिल द टेबल और नीटली एंड देन लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 2 इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड वी विल राइट इट इंशाला इट इंशाला इन नीट कॉपी नो लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दिस इन्वॉल्व फोर्स एंड विच टू नॉट इन में से किस में फोर्स इन्वॉल्व है और किस वाले में से नहीं है कौन से वाले में नहीं है इन्वॉल्व नंबर वन ओपनिंग अ डोर जब हम डोर ओपन करते हैं तो इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर आप लोग टिक लगा दें बिकॉज दिस इन्वॉल्व फोर्स नंबर टू टर्निंग अ की इन अ लॉक जब हम लॉक खोलने के लिए उसमें की घुमाते हैं तो उसके लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है सो टिक, मार्क टेक हेयर नंबर सी स्मेलिंग फूड कुकिंग फूड आप कुक कर उसको उसकी जो स्मेलिंग है तो इसके लिए नो इट डजेंट इंक्लूड इन्वॉल्व फोर्स सो मार्क हेयर क्रॉस नंबर डी लुकिंग एट अ पिक्चर आप किसी पिक्चर को देखते जिसमें तो, तो आप लोग फोर्स इन्वॉल्व नहीं करते इसमें तो कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता सो मार्क हेयर क्रॉस हिटिंग अ की ऑन द कंप्यूटर की बोर्ड कंप्यूटर की बोर्ड पर कोई की वगैरह मानना सो दल्सो इन्वॉल्व फोर सो मार्क हेयर टेक नो और टेक आउट योर कॉपीज प्रिपेयर द पेज फॉर द डिटेल कॉन्टेंट्स डिटेल पेज रेडी कर ली फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप प्रॉपर मार्जिन लाइन विद वन फिंगर स्पेस एंड फिल द टॉप राइट ऑन द टॉप जनरल साइंस सी डब्ल्यू एंड टूडेज डेट ट्वेंटी एथ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी इन द वेरी फर्स्ट लाइन इन कैपिटल राइट यूनिट नंबर एट On the other side, write page number 70 to 77. In the next line, write forces in action in capital. Underline this. Then leave line and in the next line, give heading of contents in capital. Number one, short questions. Two. In this unit, we will write two short questions. Number two, long questions. There are four long questions. Number three, diagrams are two. फोर एम सी क्यूज इन बुक पेज जो ये हम कर चुके हैं एम सी क्यूज मेज द कॉलम ब्लैंक्स एंड टिक क्रॉस ये हम बुक में कर चुके हैं पेज नंबर सेवेंटी एट और सेवेंटी नाइन पर मौजूद है तो आप लोग मैंने इसलिए इसमें राय की कि आप लोग को फिर पे पेपर में आसानी हो कि इसमें इंक्लूडेड है क्लियर और डायग्राम्स टू हैं हम इसमें सीजर का डायग्राम बनाएंगे और दूसरा वाला जो लिवर्ट्स की टू डायग्राम एक सीजर वाले को दूसरी वाला हम ड्रॉ करेंगे दो प्रिपेयर द नेक्स्ट पेज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड

तो ये इसको कौन सी चीज़ ने अपनी जगह पे पकड़ा होता है सो आंसर इज ग्रेविटी जो अट्रैक्शन फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स है राइट नीटली ग्रेविटी कीप्स अर्थ इन इट्स ऑर्बिट एज इट गोज अराउंड द सन अंडरलाइन द क्वेश्चन हेडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड देन आफ्टर दिस ड्रो हाफ फिनिशिंग लाइन देन गिव हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इन द नेक्स्ट लाइन एंड इन द नेक्स्ट लाइन राइट द क्वेश्चन वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टाइप एंड द अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन और सरफेस टाइप मतलब मेन की सरफेस अगर रफ होता है या स्मूथ होता है तो उसके साथ फ्रैक्शन का क्या जो रगर जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन जो चीज़ों को स्लो जोन करते हैं उनकी मूवमेंट को स्टॉप मूवमेंट को स्टॉप करती हैं ये एक फोर्स है तो इन में क्या रिलेशन है आपस में सो गिव हेडिंग ऑफ आंसर इन द नेक्स्ट लाइन लीव लाइन आफ्टर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लाइन गिव हेडिंग ऑफ आंसर इन कैपिटल एंड राइट स्मूथ एंड राउंडेड ब्रैकेट में देखिए स्ट्रीम लाइन जो हम कहते हैं कि कार्स वगैरह की जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन होती हैं सो वट दे विल डू स्मूथ एंड राउंडेड स्ट्रीम स्ट्रीम लाइन सर्विस हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है क्लियर सो आफ्टर दिस ड्रॉप फुल फिशिंग लाइन इसके साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश हो गए आज हमने डिटेल पेज राइड किया और टू शॉर्ट क्वेश्चन राइट की इन शह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल राइट लॉन्ग क्वेश्चन डू नीट एंड आई डी हैंड राइटिंग एंड राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स क्लियर